हेलो स्टूडेंट, एक नया टॉपिक पास्ट एडजस्टमेंट मींस पूर्व के कोई मिस्टेक हुई हो, कुछ गलत हुआ हो, उसके लिए एडजस्टमेंट। जैसे कि हम जानते हैं पार्टनरशिप फर्म पार्टनर्स को प्रॉफिट और प्रॉफिट के अलावा जो भी प्रोविजन है को डेट के अकॉर्डिंग करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि एंड ऑफ द ईयर जब पार्टनर्स अपने प्रॉफिट और लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, अपने कैपिटल अकाउंट को क्लोज कर लेते हैं, क्लोज करने के बाद पार्टनर्स ये फाइंड करते हैं, उनको ये पता चलता है कि जो उन्होंने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया और उसमें जो एप्रोप्रिएशन किए जाने थे वो सारे प्रॉपर नहीं हुए, या तो भी हुए नहीं, होना थे, या फिर हो गए, होना नहीं थे। तो इन कंडीशंस में पार्टनर को प्रॉफिट का जितना अमाउंट कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होना था, या तो उससे ज़्यादा हो गया होता है या उससे कम हो गया होता है। तो इन कंडीशंस में पार्टनर अपने अकाउंट में करेक्शन करने की बजाय एक ऐसी एंट्री पास करते हैं कि जिससे उनके अकाउंट में जो एरर्स थे, जो मिस्टेक हुई थे, वो मिस्टेक करेक्ट हो जाए। तो इसके लिए जो एंट्री पास की जाती है उसको पास करने से पहले हमें थोड़े से कैलकुलेशन करने पड़ते हैं। हमें ये फाइंड करना पड़ता है कि पार्टनर को अगर मिस्टेक नहीं होती तो क्या मिलना था, मिस्टेक हुई तो क्या मिला, इस में जो मिलना था और जो मिला उसका डिफरेंस लिया जाता है, और डिफरेंस के अकॉर्डिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को डेबिट और क्रेडिट जिस भी कंडीशन में हो करके एंट्री पास करते हैं और ये करेक्शन करते हैं। इस सब के लिए हम क्वेश्चन नंबर 26 सॉल्व करने वाले हैं। इसमें एक्स बाई जेड ये पार्टनर्स थे, इनकी कैपिटल 4000, 6000 और 8000 थे। पार्टनर्स ने अकाउंट क्लोज होने के बाद ये फाइंड किया कि इनके कैपिटल का 5% पर एनम इंटरेस्ट जो अलाउड किया जाना था, इंटरेस्ट अलाउड नहीं हुआ। तो अब इसके लिए हमें एक करेक्शन एंट्री पास करनी है। उससे पहले हम ये देखें कि मिस्टेक कहाँ हुई, मिस्टेक कितने अमाउंट की हुई, उसके लिए हम एक कैलकुलेशन वर्क करने वाले हैं, देखते हैं कैसे। इसमें मैंने ये कुछ कॉलम बनाए हैं। इनमें फर्स्ट कॉलम मैं देता हूँ पार्टनर्स। पार्टनर्स यहाँ पर थे एक्स बाय जेड। इन पार्टनर को इनके कैपिटल का 5% पर एनम इंटरेस्ट चार्ज नहीं हुआ। अगर ये इंटरेस्ट चार्ज होता तो कितना होता। तो मैंने सेकंड कॉलम बनाया इंटरेस्ट। फर्स्ट पार्टनर कैपिटल 4000 का 5%, 4000 का 5% ये 200 होता है। सेकंड पार्टनर 6000 का 5% ये 300 होता है। थर्ड पार्टनर 8000 का 5% ये 400 होता है। इन सब का टोटल जो रहा वो 900। इट मीन्स अगर पार्टनर अपने प्रॉफिट में से इंटरेस्ट चार्ज करते तो 900 रुपीज़ के बराबर उन्हें प्रॉफिट में से पहले इंटरेस्ट चार्ज करना होता है। अब ये इन्होंने इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया तो इतने अमाउंट के बराबर इन्होंने इसको प्रॉफिट के जैसे डिस्ट्रीब्यूट किया। तो अगर ये इन्होंने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया होगा तो फिर ये कितना रहा होगा। क्वेश्चन में पार्टनर इक्वल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो इन कंडीशन में यह मैंने कॉलम लिया प्रॉफिट। अगर ये प्रॉफिट हो तो प्रॉफिट को इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। उन कंडीशन में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए 300 मीन्स ये नहीं। पार्टनर्स को ये डिस्ट्रीब्यूट हुआ ये होना है, ये डिस्ट्रीब्यूट हुआ ये होना है। तो इन कंडीशन में हम देखें पार्टनर एक्स इसे इंटरेस्ट रिसीव होना था 200 बट प्रॉफिट मिला 300। तो ऐसे में इस पार्टनर को 100 रुपीज ज़्यादा मिला। जिस पार्टनर को ज़्यादा होगा उससे हम रिटर्न लेंगे और जिसको कम होगा उसको हम पे करते हैं। तो पार्टनर
एक्स जिसको 100 रुपीस ज़्यादा मिला, इससे हम वापस लेंगे, इसलिए हम एक कॉलम बना देते हैं डेबिट। तो यहाँ रहा 100 रुपीज। पार्टनर पाए जैसे प्रॉफिट रिसीव हुआ 300, अगर इंटरेस्ट मिलता तो वो भी 300 होगा। मीन्स मिस्टेक के बाद भी इसमें कोई करेक्शन की जरूरत नहीं है, तो ये देखते हैं। पार्टनर जेड इसको इंटरेस्ट अगर रिसीव होता तो 400 होता, प्रॉफिट रहा 300, मीन्स 100 रुपीज कम रहा, तो ये क्रेडिट 100 रुपीज। हम इसका भी टोटल करें 100 रुपीज, 100 रुपीज। इसका ये मतलब रहा कि एक्स पे कैपिटल अकाउंट से 100 रुपीज देने चाहिए और जेड को ये देने चाहिए। तो हम इसके लिए एक एंट्री पास करते हैं, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जेड कैपिटल अकाउंट 100 रुपीज बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास।